भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहनलाल बटोली ने कहा कि सोनीपत लोकसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा व जेजेपी से दिग्विजय चौटाला के आने से भाजपा प्रत्याशी रमेश कौशिक पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोनीपत की जनता दोबारा रमेश कौशिक को सांसद बनाएगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में आरक्षण आंदोलन शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, लेकिन उग्र आगजनी की घटनाएं हुई जिसका सीधा आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा था। सोनीपत की जनता को वो सीन अभी भी याद है। ऐसे में जनता हुड्डा को सोनीपत सीट नहीं सौंपेगी। आज ये भारतवर्ष के लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इसमें हरियाणा प्रदेश में 12 मई को लोकसभा की वोटिंग होनी है और हमारी सोनीपत लोकसभा की सीट पर आज तीनों पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं और हमारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भाई रमेश कौशिक यहाँ के सांसद रहे हैं, अब फिर दोबारा से आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के हैं और दिग्विजय चौटाला जेजेपी के हैं और आज जिस प्रकार से चुनाव चला हुआ है, जिस प्रकार से सोनीपत की जनता का मन बना हुआ है, आज सोनीपत की जनता रमेश कौशिक से दोबारा से सांसद के रूप में देखना चाहती है। उसके कारण हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीछे जिस प्रकार से एक आरक्षण आंदोलन को शांतिप्रिय जो चल रहा था उसको उग्र रूप धारण करवाया और यहाँ पर काफ़ी आगजनी की घटनाएं हुई, उसमें सीधे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगे थे। और उसी प्रकार से जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का यहाँ शासन था उस समय भी इसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ था। यहाँ के बस अड्डों को, यहाँ के बाजारों को आग लगाई गई थी, लोगों के मकानों को तोड़ा गया था। तो इन दोनों पार्टियों का तानाशाही पूर्ण रवैया सोनीपत की जनता ने देखा है और जब से मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और मनोहर लाल जी का जो कार्य करने का जो शैली रही है उससे लोग प्रभावित हैं। हरियाणा प्रदेश में भय भूख और भ्रष्टाचार का जो वातावरण पिछली सरकारों ने खड़ा किया था उसको तोड़ने का काम किया है। आज काबिल बच्चों को नौकरियाँ मिल रही है, आज किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में अमन है। और इसी को देखते हुए जो सोनीपत की ये जो हॉट सीट बनी है, क्योंकि तीनों पार्टियों का इस सीट पर फोकस है, तो जनता का ये आकलन है कि कांग्रेस के मुकाबले से बाहर है। एक मोहनलाल जी जहाँ जा भी रमेश कौशिक जी जा रहे हैं वहीं मतलब उनका विरोध हो रहा है हर गांव में। ये चुनाव का समय है और हर पार्टियों के वर्कर होते हैं जो दूसरी विरोधी पार्टियों के वर्कर हैं और उन वर्करों का जो मैंने चर्चा की है कि जिस प्रकार से उन्होंने वातावरण खराब किया था हरियाणा प्रदेश में, उन लोगों की फिर दोबारा से यही सोच है कि इस उम्मीदवार जब गांव में आए तो उस प्रकार का विरोध करते हैं और वो सारा एक बनावटी सा खेल है, उसमें सच्चाई नहीं है। वो दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस प्रकार का वातावरण खराब करने की कोशिश करते हैं। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।